Hello students, in today's video we shall start our new chapter, that is lines and angles. So first of all, see what is line. In geometry, a line can be defined as a straight one dimensional figure that has two thickness and extends endlessly in both directions. See, suppose I am drawing here line. This is a line. I am writing this as AB. AB, or generally we use the small letters L, M, N to denote the line. See here, we can extend this side infinitely. This arrow indicates that this line can be extended indefinitely, this side, and this can be extended infinitely to these sides, and both the sides we can extend. So this is a line. Okay, now generally line is denoted by small L, M, N, these letters. Now what is line segment? Line segment is a part of a line. It is a part of a line which has two end points. Abhi line segment jo hai isme, that is a limited as a part hota hai. ये पार्ट अभी ये दोनों तरफ मैंने एरो नहीं बताया है. दिस इज लिमिटेड. तो यहाँ से एक टुकड़ा ले लो, पीस ऑफ ए लाइन है ना. सो विच इज फिक्स, सपोज ए बी. नाउ दिस इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट. यहाँ पे एंड हो गया उसका, यहाँ पर एंड हो गया. अभी इस साइड भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, इस साइड भी एक्सटेंड हम नहीं कर सकते. सो दिस इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट. And line segment is denoted by in geometry ऐसा denote करते हैं, but generally we do not use this. We use the context, that is line segment, line segment AB ऐसा लिखते हैं, line AB in this way. Okay students, so now next is ray. What is ray? Ray is a part of a line which has one end point. अब यहाँ पे क्या होता है, दो एंड पॉइंट थे, यहाँ पर क्या हो गया, एक एंड पॉइंट होगा. दिस इज वन एंड पॉइंट, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन एनी वन साइड. तो इस साइड में मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, या तो फिर इस साइड एक्सटेंड कर सकता हूँ. तो इनिशियल पॉइंट होएगा ये ए, होगा बी. तो इसको हम पढ़ेंगे रे ए बी, रे ए बी है ना. तो इसको लिखेंगे हम ऐसा, डिनोट करेंगे रे ए बी. लेकिन यहां पर भी हम जनरली डिनोट नहीं करते, ऐसे लिखेंगे रे ए बी, या ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा. सो दिस थ्री थिंग्स शुड बी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइन? लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स. ओके, इट इज एंडलेस ऑन बोथ द साइड्स. लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन व्हिच हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, वेयर एज रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन व्हिच हैज वन एंड पॉइंट. It can be extended to any one side only. Okay. Now, next is, what is collinear points? Collinear points. Collinear points क्या होता है? Collinear में एक ही line पर होने वाले. Collinear. If three or more points, if three or more points, three or more points lie on the same line, lie on the same line. एक ही लाइन पर अगर तीन पॉइंट है, दो पॉइंट तो होते हैं जनरली, हम जैसे यहाँ पे ए बी दो पॉइंट लाइन नहीं होती है, लेकिन तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे होते, दे आर कॉल्ड सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स. तो उसको कहेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स. अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर है, तो तीनों पॉइंट्स को कहेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स. अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर. अब यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जांपल. यहाँ ए पॉइंट लिया मैंने, यहाँ बी पॉइंट लिया, यहाँ पर सी पॉइंट लिया. सो हियर
points A, B and C. And C are collinear. मराठी में इसको देंगे एक रेशीय, एक लाइन पे रहने वाले. अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, अदरवाइज यह एक अदरवाइज यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. अदरवाइज अगर एक लाइन पर नहीं है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, सपोज मैं लाइन ऐसे लेता हूँ ए बी लाइन, और यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है, तो एक ही लाइन पर है क्या ये? हियर पी क्यू आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, जो पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होते हैं, ऐसे पॉइंट्स हो गए हम नॉन कोलिनियर. स्टूडेंट्स नाउ सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज एंगल इन प्लेन ज्योमेट्री. प्लेन ज्योमेट्री वी आर ड्राइंग द फिगर्स ऑन द प्लेन ओनली, नॉट इन थ्री डायमेंशनल, दैट इज इन नेक्स्ट क्लासेस. प्लेन ज्योमेट्री, दिस इज प्लेन, दिस मोड इज अ प्लेन. इन प्लेन ज्योमेट्री an angle is the figure formed when two rays originate from the same end point. एक ही पॉइंट से जब दो रे ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे दो रे ओरिजिनेट हो गए, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे एंड पॉइंट से. ये सपोज बी पॉइंट है, ये बी ए रे, ये बी सी रे. ओके, सो द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. ये जो है बी ए आर्म होगी, उसकी भुजा, और बी सी दूसरी आर्म होगी. सो इन द प्लेन ज्योमेट्री एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड एन एंगल. ओके, द रेज, ये जो दोनों रेज है मेकिंग एन एंगल, जिन्होंने एंगल बनाया है, तो इस रेज को कहेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल. दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल. एंड द एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है, इस रे का एंड पॉइंट, इस रे का एंड पॉइंट, दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. नाउ दिस इज एन एंगल. नाउ स्टूडेंट्स यू नो there are different types of angles, different types of angles. So number one is suppose acute angle means ये जो measure है angle का, ये अगर आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा, तो ऐसे सारे angles को कहेंगे हम एक्यूट एंगल. जैसे कि ये सपोज मैं एंगल निकलता हूँ, ये सपोज एंगल है, ओके ए बी सी, इसका जो मेजर होगा दैट विल बी दिस एंगल एक्स है, सपोज एक्स, तो यहाँ पर जो एंगल एक्स है वो जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो होगा तो एक लाइन होगी सीधी, है ना, या रे होगा, जो भी है, एंगल नहीं बनेगा, तो जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए. तो ऐसे जितने भी एंगल्स होंगे, ऐसे एंगल्स को कहेंगे हम एक्यूट एंगल्स. मीन्स एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. So this will be the definition of this. Now take second one,
Number two is right angle. इसमें क्या होगा कि अगर हमारा एंगल परफेक्ट 90 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का है, सपोज दिस ए बी सी, ये 90 का अगर है, मीन्स रे बी ए एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो ऐसे एंगल जो कहेंगे हम राइट एंगल, मीन्स एन एंगल मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल, सो दिस विल बी योर राइट एंगल. नाउ थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस मीन्स बड़ा, किससे बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा. एन एंगल होज मेजर इज 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि 90 को तो हम राइट एंगल कहेंगे, 90 से वो एक्यूट एंगल कहेंगे, तो 90 से बड़ा एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल. तो सपोज मैं फिगर ऐसे निकलता हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल ये 90 से बड़ा है अभी, तो यहाँ पे ए बी सी ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस हो गया है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. टेक फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मीन्स एन एंगल whose measure is 180 degree is called a straight angle. ठीक है, तो ये चार प्रकार हो गए हमारे, इसकी फिगर यहाँ पर निकलता हूँ मैं, ये है, यहाँ पॉइंट पी है और ये जो एंगल बन गया है 180 का बन गया, आपका कंपास का जो प्रोट्रैक्टर होता है वो है उतना, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री का, सो दिस एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ओके, देन नंबर 5 दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. फिफ्थ एंगल दैट इज रिप्लेस एंगल. अभी रिप्लेस क्या होता है, 180 से बड़ा होना, क्योंकि 180 हो गया. एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल. ओके सो यू टेक एनी एंगल, 180 से बड़ा होना चाहिए. अगर मैं ऐसा भी लेता हूँ, ये 180 तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टोटल सर्कल का एंगल 360 होता है, तो ये जो एंगल हो गया ऑब्ट्यूस हो गया. देखिए इसके बैक साइड में ये जो एंगल तैयार हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. मान लेते कि 120 का है ये, इतना 120 का, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 240 डिग्री का हो जाएगा, 240, क्योंकि टोटल सर्कल जो होता है हमारा, दो प्रोट्रैक्टर ऐड किए हमने, कनेक्ट किए, तो 360 डिग्री होगा, 180 360 डिग्री, तो ये पूरा सर्कल जो होगा 360 डिग्री का होगा,
तो इसमें से 180 गया, तो 180 डिग्री का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 240 डिग्री होगा। सो इन दिस वे वी शुड नो स्टूडेंट्स दिस फाइव टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, सो एक्यूट एंगल, देन राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। स्टूडेंट्स नाउ सी नेक्स्ट इज अवर पेयर ऑफ एंगल्स। व्हाट आर द पेयर ऑफ एंगल्स? नंबर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? हियर टू एंगल्स whose sum is 90 degree, sum is 90 degree are called complementary angles. So this is the definition of complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. So here students, I can draw the figure. Suppose you have an angle of 60 degree, for example, let this is A, B and C, and another you have an angle of 30 degree, suppose this is of 30 degree. Okay student, let this is P, Q, R. So here the sum of the two angles here in figure angle ABC plus angle PQR equals to 90 degree, 60 plus 30. Therefore angle ABC and angle PQR are complementary angles. Complementary. So these are complementary angles. Okay, students. Now, next is number two, supplementary. So in complementary angles, this may be like this also. Suppose you have a right angle. Okay, this is ABC. This is of 90. And one common arm here, suppose. This D, suppose. So here also, since sum of these two angles is 90 degree, therefore angle ABD and angle CBD, these are also complementary angles. Okay, the next is supplementary angles. यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ पे 90 की सम थी, यहाँ हमें सम चाहिए टोटल 180 डिग्री। सो टू एंगल्स whose sum इज 180 डिग्री आर कॉल्ड supplementary, are called supplementary angles. Okay, so these are called supplementary angles. Then suppose I am taking here an angle of 120 degree. Okay, let this ABC is an angle of 120 degree and another is of 60 degree. ABC, PQR, this is of 60 degree. So here 120 plus 60, it is 180 degree. Therefore these two angles are supplementary angles. In figure, angle ABC and angle PQR supplementary
angles. Okay, students. Now next is adjacent angles. एडजेसेंट एंगल्स एक दूसरे को जो लग के होते हैं, मराठ में उसको लगच्चे एंगल्स, एक दूसरे को लग के जाकर छूते, दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. नाउ टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. ओके, टू एंगल्स आर कॉल्ड adjacent angles if they have number one, उनको क्या चाहिए, common arm चाहिए. if they have a common vertex, a common vertex and third non common arms adjacent angles. Two angles are called adjacent angles if they have number one common arm, common vertex, and number three, non-common arms are on different sides of common arm. See the figure. Suppose you have these two angles. Okay. यहाँ पर देखिए, ये suppose P, Q, R और S है. तो ये जो दोनों angles है, यहाँ पर दोनों angles को एक common arm है. दोनों को एक ही common है. कॉमन वर्टेक्स पॉइंट, ये जो वर्टेक्स है दोनों के, इस एंगल का भी ये वर्टेक्स है, इस एंगल का भी ये वर्टेक्स है. सो कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, और ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पे है. तो ऐसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे, इसको कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स. सो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन आर्म, नंबर थ्री कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म. ओके, देन नंबर फोर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहां पर क्या होता है कि जो दो एंगल्स होते हैं उनकी वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, और यहाँ पर दोनों की जो एडिशन होगी एंगल्स की, ये और ए, एक यहाँ पे प्रोट्रैक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री की एंगल हो जाएगी. तो ऐसे दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे. सो टू एडजेसेंट ही है, एक दूसरे को लग के, टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल जो है इनकी सम 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों एंगल्स को कहेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. देन नंबर फिफ्थ इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इफ आई हैव दिस लाइन ए बी सपोज, and second line is CD suppose. This is CD. Now these two lines intersect each other at point O suppose. So this angle number one, then this angle number two, these are called vertically opposite angles. Similarly here angle three and this angle four, these are also vertically opposite angles.
So if line AB and line CD intersects each other at point O, then angle AOD in figure angle AOD and angle COD are called vertically opposite angles. Similarly, angles this AOC and angle BOD are also vertically opposite angles. Okay, student. So you should know these complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, linear pair of angles, and vertically opposite angles.